हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और ये जो चीज़ है ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे, उसका एक रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उस वीडियो में, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने सीखा लिस्ट और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने सीखी है, और आई होप आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं और देखने के साथ साथ आप बना भी रहे हैं आपके पीसीस पे, आपके कंप्यूटर्स पे, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के बाद हम लोग अभी सीधा जाएंगे आई फ्रेम्स पे, ठीक है? तो आई फ्रेम्स क्या है वो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? इसको मैं सेव करता हूँ और ये मेरी आई फ्रेम की फाइल। तो यहाँ पर देखिए, एन एच टी एम एल आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज और यूट्यूब वीडियोज और एनी अदर आउटसाइड पेज विद इन अ वेब पेज। तो आई फ्रेम का यूज हम लोग क्यों करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए, आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले वेब पेज, यानी कोई अगर वेब वेबसाइट का पेज है वो अगर आपको दिखाना है आपके पेज के अंदर, तो आई फ्रेम का यूज करके उसको दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, बाहर जो एक्सटर्नल वीडियोस होते हैं, जैसे यूट्यूब है, कई और वीडियोस है या कई और एक्सटर्नल लिंक्स है, वो अगर आपको आपकी पेज के ऊपर दिखानी है तो आई फ्रेम के जरिए वो दिखा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल देख लेते हैं। पहले हम लोग हमारे लोकल पेज का देखते हैं। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने इतने सारे पेजेस बना चुके हैं हम लोग, ठीक है? तो इसमें से कोई एक पेज पकड़ते हैं, मान लो ये पैराग्राफ या फिर हेडिंग वाला, और इसको हम लोग हमारे पेज पे दिखाते हैं आई फ्रेम के जरिए। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें लिखना है आई फ्रेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। देखिए, मैंने टैब जैसे दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें निकाल के देता है। और फ्रेम बॉर्डर क्या है, फ्रेम बॉर्डर 2 मिनट के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ। फिलहाल समझिए, यहाँ पर देखिए SRC करके एक एट्रीब्यूट है, इसमें और एक एट्रीब्यूट जाता है टाइटल नाम से। अगर आपको आई फ्रेम में कुछ टाइटल डालना है, मतलब ये क्या चीज आप दिखा रहे हो उससे रिलेटेड यहाँ पर नाम डालना है सिंपल। तो मैंने क्या कहा कि मुझे ये हेडिंग वाला जो पेज है मेरा, जो हम लोगों ने पहले ट्यूटोरियल में देखा था, तो ये सेम जो पेज है उस यही पेज मुझे दिखाना है, इसीलिए मैं इस पेज का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ ओके हेडिंग पेज, सो दिस इज हेडिंग पेज। तो मैं टाइटल दे दिया, मैं सोर्स मुझे देना है तो सोर्स मैं कैसे दूंगा, देखिए मेरी आई फ्रेम्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल यहाँ पर है, और ये फाइल भी इसी लेवल पे है, इसीलिए मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा सभी को और यहाँ पर जाके सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके, ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, राइट? सोर्स क्या करता है आपको ऑलरेडी पता है, ये सिंपली आपका पाथ लेने का देने का काम करता है, या यहाँ पर उसको पाथ देनी है हमें, ठीक है? तो पाथ हम लोग ने दे दी, टाइटल हम लोग ने लिख लिया। इसके बाद और एक चीज है जो यहाँ पर विड्थ लगा सकते हो आप, कितने विड्थ में चाहिए। मान लो मुझे 500 विड्थ के अंदर इसको दिखाना है इस पेज को, और इसकी हाइट जो होगी वो भी 500 होंगी। तो ऐसा मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। और देखिए, ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, ठीक है? ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया। और ये 500 500 के विड्थ और हाइट के बीच में मुझे ये वाला जो पेज है यहाँ पर दिखाई देगा, सिंपल। अब वो फ्रेम बॉर्डर क्या था, तो फ्रेम बॉर्डर क्या है वो देखने से पहले एक काम करते, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पेज आ जाता है। ये कौन सा पेज है पता है, ये हम लोगों ने पहला जो पेज है, हम लोगों ने फर्स्ट मेरे ख्याल से वीडियो जो बनाया था वही पेज। देखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए अबाउट माई कंपनी, माई सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, और यही पेज हम लोगों ने देखिए आई फ्रेम्स डॉट एच टी एम एल के अंदर इसको, इन शॉर्ट सिंपल भाषा में कहूँ तो इसको इंपोर्ट किया है आई फ्रेम के जरिए, ठीक है? तो आई फ्रेम के जरिए आप चीजें कुछ इस तरह अपने पेज पे दिखा सकते हो। जैसे अगर मुझे मान लो ये वाली जो है हाइट विड्थ जो है इसको 300 300 में दिखाना है, तो ये कम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सेव कर लिया फिर से, तो देखिए 300 बाय 300 के विड्थ और हाइट के अंदर आपका वो पेज जो है ये वाला, ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब मैं बात कर रहा था कि फ्रेम बॉर्डर क्या है, तो फ्रेम बॉर्डर वापस फिर से यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, फ्रेम बॉर्डर जो है इसको 0 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये, तो इसको मैं 0 करता हूँ, जैसे 0 करता हूँ वो बॉर्डर्स आपकी निकल जाएगी। बस यही काम करता है हमारा फ्रेम बॉर्डर का एट्रीब्यूट।
तो ये आई फ्रेम के साथ ये सारे एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा मैंने ये लोकल वाला पेज है, तो ये लोकल वाला पेज भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब के देखिए, यहाँ पर वीडियोस भी है, तो वो भी मैं दिखा दूँ आपको एक एग्जांपल। तो मान लो मुझे इसके नीचे और एक यूट्यूब का वीडियो दिखाना है, तो मैं जाता हूँ मेरी ही वेबसाइट, मेरे ही चैनल पे जो है किशोरी ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर जाते हैं सिंपल सा एक वीडियो ले लेते हैं। और देखिए इसको लेना कैसे है, यहाँ पे जाएंगे शेयर में, शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर एम्बेड करके ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, ठीक है। एम्बेड में देखिए सेम कोड है, आई फ्रेम और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो यूट्यूब खुद से लगाता है। तो सिंपली आपको ये कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर सीधा जाके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके नीचे हम लोग लगाएंगे इस आई फ्रेम के नीचे, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पर मैं सीधा जाके पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए वही सारी चीजें दिखाई दे रही है, विड्थ है, हाइट है, SRC है, फ्रेम बॉर्डर्स है, और ये यूट्यूब के खुद के एट्रीब्यूट्स है। तो इसका कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप आंख बंद करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। सिर्फ अगर आपको चेंज करना है आपकी हाइट विड्थ, तो आप ये वाली हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसमें दिखाता हूँ सेव करके। तो सेव जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये यूट्यूब वाला मेरा जो वीडियो है वो दिखाई देगा, और प्ले करोगे तो ये यहाँ पर आपकी पेज पे ओके प्ले गाइस, तो हो चलिए आगे जाएगा। बढ़ते हैं ओके इस okay? वीडियो में। अब ये जो हाइट विड्थ है, अगर मान लो मुझे और छोटा दिखाना है, तो इसको मैं 300 कर दूंगा। हाइट अगर इतनी रखनी तो इतनी रखिए। इसको मैं सेव करता हूँ, तो सेव करेंगे तो देखिए जो छोटा दिख जाएगा। अगर आपको हाइट रखनी नहीं है तो ये निकालो, निकालने के बाद तो देखिए ऑटो उसकी जो हाइट है ऑटो हाइट के हिसाब से दिखाई देगा। हालांकि अभी फिर से मैं वही कह रहा हूँ, CSS हम लोग ने कुछ किया नहीं है, तो ये सारी चीजें और अच्छी कर सकते हैं हम लोग CSS के जरिए। CSS हम लोग सीखेंगे बाद में, और चीजें क्लियर आउट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं वैसे ही रख देता हूँ जो 560x315 था, ठीक है। तो बस यही दो चीजें हैं आई फ्रेम में, हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर लोकल पेज हमें दिखाना है हमारे पेज के ऊपर, तो आई फ्रेम के जरिए हम दिखा सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल लिंक है, एक्सटर्नल वीडियो है, या जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं वो भी हम आई फ्रेम के जरिए दिखा सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।